जादुई मोर पंख से लोगों की बीमारी ठीक करने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। जनपद लखीमपुर की कोतवाली निघासन में उत्तराखंड की रहने वाली एक महिला ने तहरीर दी, जिसमें उसने जादुई मोर पंख से बीमारी ठीक करने का झांसा देकर ठगी करने वाले व विश्वास में लेकर रुपए व मोबाइल छीनने व अन्य दस्तावेज छीन लेने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने अभियोग दर्ज करके तत्काल 3 टीमों का गठन किया तथा ह्यूमन इंटेलिजेंस व सर्विलांस सेल व सुराग्रसी के चलते 9 लोगों के नाम प्रकाश में आए, जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा अन्य लोगों की तलाश जारी गिरफ्तार किए गए। लोगों में एनुल पुत्र पुत्तू निवासी रायपुर थाना निघासन जिला खीरी, रोहित पुत्र प्यारे लाल ग्राम सोठियाना थाना निघासन खीरी, जाहिद पुत्र साबिर निवासी लखा थाना निघासन, नीरज कुमार यादव पुत्र राम सजीवन यादव निवासी सहतापुर थाना लंभुआ जिला सुल्तानपुर, शफीक पुत्र रफीक ग्राम सोठियाना निघासन खीरी, मोहम्मद इसरार उर्फ कल्लू पुत्र नसरत आरिफ अली पुत्र चुन्नू सलमान पुत्र मुर्तजा उजेर पुत्र नबी शेर निवासी गण सोठियाना कोतवाली निघासन जिला खीरी की इस प्रकरण में संलिप्तता पाई गई। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी करने वाले घटना में प्रयुक्त जादुई मोर पंख, 4,000 रुपए नकदी, 4 छुरी, 2 अदद मोटरसाइकिल, 1 अदद स्कूटी, 1 अदद इंडिगो कार, 2 अदद तमंचा, 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस, लेडीज पर्स, कंगन, पीली धातु, डायरी, स्प्रे, मिर्च, नशीली सिरप, लाइटर, जादुई गिलास सहित तमाम अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि इन अभियुक्तों को काफी आपराधिक इतिहास रहा तथा अन्य जनपदों में इन संगीन धाराओं में अभियोग दर्ज है, जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक प्रभातेश कुमार, उप निरीक्षक राम मिलन यादव, उप निरीक्षक बाबू राम, उप निरीक्षक अवलीश कुमार सहित तमाम पुलिस कर्मी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जनपद खीरी के अंदर यह सूचना मिल रही थी कि होने वाली जनता को कुछ लोग एक गैंग जादू मोरपंख का लालच दिखा करके धोखाधड़ी करता है और उनके पैसे लूटने काम ये गैंग कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन में कैंटीन गठन किया गया, जिसमें सर्वलांस स्वाट और इंस्पेक्टर निघासन उस टीम में थे। तो 7 तारीख को एक उत्तराखंड की रहने वाली महिला ने सूचना दिया कि एक गैंग है, कुछ लोग आए गैंग में जिन्होंने उससे लालच दे करके पैसे लूटे, मोबाइल छीन लिया है। ये सूचना तत्काल नसरत निघासन रवाना हुए और उन्होंने मौके पर जा करके कुछ लोगों को रिटर्न करके उससे जानकारी ली। तो उन्होंने अपना नाम एनुल, रोहित, जाहिद, नीरज, शफीक, मोहम्मद इसरार, आसिफ, सलमान, मुझे 9 लोग मौजूद थे, उनको हिरासत में लिया गया। जब उनको जानकारी ली तो उन्होंने इस घटना को स्वीकार किया और उनके पास से काफी सामान बरामद हुआ। 30 मोबाइल है, 40,000 रुपये नकद है, अन्य अन्य सामान जो जादू दिखा करके लोगों को लालच दे करके पैसा दूना करना, बीमारी ठीक करना, जादू मुंह पक दिखाना, ये मतलब ये सब सामान उनके पास से बरामद हुआ। इसमें इस गैंग में 20-25 लोग हैं, जिसमें 9 लोग गिरफ्तार हैं और 10 लोग अभी वांछित हैं। उनके गिरफ्तारी के लिए टीम गठन कर दिया गया है, की जाएगी। इनका आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है, कुछ का आपराधिक मिल गया है, अच्छा आपराधिक इतिहास इनका, गैंगस्टर लूट आदि के मुकदमे हैं और इन्होंने अन्य जगह भी घटनाएं की है जनपद के अंदर, सर्वदीय जनपदों में, अन्य प्रदेशों में इनके द्वारा क्या क्या घटना की गई है इसकी जानकारी की जा रही है।